क्लास दिस इज योर मैथ्स ऑनलाइन क्लास. टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर टू एच सी एफ एंड एल सी एम. इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट एच सी एफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड एंड बाई डिवीजन मैथड एंड एल सी एम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड एंड बाई डिवीजन मैथड. ठीक है, सो लेट स्टार्ट फ्रॉम यूनिट नंबर टू पेज नंबर 23. पेज नंबर 23 में सबसे पहले हम करेंगे एक्टिविटी. द गिवन क्रॉसवर्ड विल हेल्प यू टू रिव्यू द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. क्लू क्रॉस क्लू डाउन. ठीक है, तो आपने जो अक्रॉस वाले हैं वो आपने ऐसे लिखने हैं सीधे, और जो डाउन वाले हैं वो आप नीचे को लिखेंगे. ठीक है, अब फर्स्ट है आपके पास 4, 6, 8, 10 and 12 आर डैश ऑफ 2. तो ये 2 का टेबल है सारा, तो ये 2 के क्या होंगे, मल्टीपल्स. तो ये कहाँ पे लिखना है आपने, 1 पे. 1 ये लिखा हो, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल. एम यू एल टी आई पी एल ई एस, मल्टीपल्स. नेक्स्ट है ऑल इवन नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ दिस नंबर. कौन से नंबर के इवन नंबर होते हैं, 2 के. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2. नेक्स्ट वन इज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ डैश. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर जो नंबर है वो अपने आप का भी एक फैक्टर होता है, इटसेल्फ. तो 5 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इटसेल्फ. द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या होगा, 7. तो ये कहाँ पे लिखेंगे, 7 पे. एस ई वी ई एन 7. नेक्स्ट द नंबर 8 हैज अ टोटल ऑफ डैश फैक्टर. नंबर 8 के टोटल कितने फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास, 1, 1, 8, 2, 4 जर 8, 4, 2 जर 8, 4 हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे. तो वो 8 पे हम क्या लिखेंगे, 4. नेक्स्ट आ गया क्लू डाउन. तो अब आपने नीचे को लिखने हैं, अ नंबर विद ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर. जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर. तो 2 पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे है, पी आर आई एम ई, प्राइम. नेक्स्ट है हमारे पास, अ मल्टीपल इज अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई अनदर नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर, विदाउट एनी रिमाइंडर. तो रिमाइंडर कहाँ लिखेंगे, आर 3 पे, ई एम ए आई एन डी ई आर, रिमाइंडर. नेक्स्ट द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज, एलसीएम ऑफ फाइंड करते हैं 4 एंड 6 का. एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, 3 1s आर 3. फैक्टर्स ऑफ 4 हैं आपके पास, फैक्टर्स ऑफ 4 2 मल्टीप्लाई 2, फैक्टर्स ऑफ 6 हैं आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3. कॉमन फैक्टर है आपके पास 2 एंड नॉन कॉमन फैक्टर है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3. ठीक है, एलसीएम में आप कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2s आर 4, 4 3s आर 12. तो आपका एलसीएम क्या है, 12. सो द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज 12. तो वो कहाँ पे लिखेंगे, 4 पे. 4 का है आपके पास ये 4TWELVE, 12. नेक्स्ट द नंबर 1 इज डैश ऑफ एवरी नंबर. द नंबर 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 6 पे लिखेंगे एफ ए सी टी ओ आर, फैक्टर. 12, 18, 30, 48 आर द मल्टीपल्स ऑफ 6. 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 5s are 30, 6 8s are 48. तो ये किसके फैक्टर्स हैं हमारे पास, 6 के. 7 पे लिखेंगे एस आई एक्स 6. इस तरह आपने इसे सॉल्व किया. नेक्स्ट इज ओके 5 क्लास. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट. आपने पेज नंबर 24 पे जो एक्टिविटी करनी है, या नेक्स्ट आपने जब एक्सरसाइज 2A स्टार्ट करनी है, तो उससे पहले आपको आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट करने हैं कि नंबर 2 पे डिवाइड हो, 3 पे डिवाइड हो, 4 पे, 5 पे, 8, 9, 10 पे डिवाइड हो, तो हम उसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले नंबर इज डिविजिबल बाय 2. द नंबर इज, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर इज डिविजिबल बाय, द फर्स्ट इज डिविजिबल बाय 2. द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट प्लेस हैव इवन नंबर. अगर उसके जो यूनिट प्लेस है, उसकी वंस प्लेस है, वहाँ पे इवन नंबर हो, तो वो नंबर किस पे डिविजिबल होगा, 2 पे. अब इसकी एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा. फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 84, और ये इसकी वंस प्लेस है, ये इसकी यूनिट प्लेस है, तो यहाँ पे आपके पास इवन नंबर है, तो ये नंबर किस पे डिविजिबल होगा, 2 पे. आप इसको डिवाइड देख लें, ये करके देख लें, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. 2 4s are 8, 4 2 2s are 4. ये आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 2 पे, तो ये दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. अब नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबल बाय 3.
नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री, द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज एडेड अप टू द मल्टीपल ऑफ थ्री इज डिविजिबल बाय थ्री। अगर आपके पास जो डिजिट्स नंबर के डिजिट्स हैं टू होंगे थ्री होंगे, उनको आप प्लस करें और वो जो है वो थ्री के मल्टीपल हों, तो वो आपके पास नंबर है थ्री पे डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द नंबर इज 801। अगर इसके तीनों डिजिट्स को हम प्लस करें 8 + 0 + 1, तो आपके पास जो नंबर आए ये थ्री का मल्टीपल हो, ये 3 3 9 है और दिस नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री। तो ये आपका जो 801 है ये नंबर किस पे डिविजिबल होगा, थ्री पे। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर इज डिविजिबल बाय फोर, द नंबर इज डिविजिबल बाय फोर इफ लास्ट टू डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय फोर। जो आपको नंबर दिया होगा उसके जो 110th प्लेस पे जो आपका नंबर होगा, वो दोनों नंबर अगर फोर पे डिवाइड हो तो वो पूरा नंबर आपका फोर पे डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द नंबर इज 584। अब आपका जो 1s और 10s प्लेस पे नंबर है, ये दो लास्ट टू डिजिट्स हैं, अगर ये दोनों डिजिट्स फोर पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो आपका नंबर किस पे डिविजिबल होगा, फोर पे। आप इसको डिवाइड करके देख लें, 4 2 8 0 4, 4 1 4। देखें ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, तो आपका 584 जो नंबर है ये फोर पे डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इज नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव, द नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव इफ देयर लास्ट डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 0 और 5। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक नंबर है और उसका जो यूनिट प्लेस है, उसकी 1s प्लेस है, वहाँ पे आपके पास 0 हो या वहाँ पे आपके पास 5 हो, तो वो नंबर किस पे डिविजिबल होगा, 5 पे डिविजिबल होगा। इसी तरह सिंपली रूल है, नंबर इज डिविजिबल बाय 10। नंबर कैसे 10 पे डिविजिबल होगा, इफ देयर लास्ट डिजिट इज 0। अगर आपका यूनिट प्लेस पे 0 नंबर होगा तो वो नंबर आपका 10 पे भी डिविजिबल होगा। नंबर इज डिविजिबल बाय 6, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6। 6 में नंबर डिविजिबल होगा तो उसके लिए टू पॉसिबिलिटीज होंगी, एक ये कि आपका जो नंबर है वो यूनिट प्लेस पे, उसकी 1s प्लेस पे इवन नंबर हो तो वो नंबर आपका 6 पे डिविजिबल होगा, और सेकंड ये है कि वो जो डिजिट्स हैं नंबर के उनको आप प्लस करो तो वो जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाए, तो वो आपका नंबर किस पे डिविजिबल होगा, 6 पे। दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, फर्स्ट ये कि नंबर इवन हो आपके पास, और सेकंड ये कि उसके डिजिट्स को प्लस करें तो वो 3 पे डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर आपका क्या होगा, डिविजिबल बाय 6। फॉर एग्जाम्पल है आपके पास 918। अब देखें इसकी यूनिट प्लेस पे, 1s प्लेस पे इवन नंबर है तो ये नंबर किस पे डिवाइड हो जाएगा, 2 पे। नेक्स्ट इसकी कंडीशन होनी चाहिए कि इसके तीनों डिजिट्स को हम प्लस करें तो जो आपके पास आंसर आए वो नंबर किस पे डिविजिबल हो, 3 पे। अब देखें 18 जो 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो ये आपका 918 किस पे डिविजिबल होगा, 6 पे। नेक्स्ट इज नंबर इज डिविजिबल बाय 8, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ देयर लास्ट थ्री डिजिट्स एट 1s प्लेस 10s एंड 100 प्लेस। 1s 10s और 100 प्लेस पे अगर हमारे पास तीनों जीरो हो तो वो नंबर 8 पे डिविजिबल होगा, या इसके अलावा एक और कंडीशन है हमारे पास कि वो जो लास्ट थ्री डिजिट्स हैं 100 तक, 1s 10s 100, वो तीनों जो है वो 8 पे डिवाइड हो जाए तो वो नंबर हमारा 8 पे डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक कर लेते हैं फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर उसके लास्ट थ्री डिजिट्स 1s 10s और 100 प्लेस पे 0 हो तो ये नंबर 8 पे डिविजिबल होगा, ठीक है। और अगर आपकी 1s 10s और 100 प्लेस पे नंबर हो कोई भी और वो जो नंबर है वो 8 पे डिविजिबल हो जाए, देखें ये आपका नंबर 8 पे डिविजिबल होता है, 8 1s 8 48, 8 6s 48। आपका ये कंप्लीट नंबर 8 पे डिवाइड हो जाए तो वो आपका पूरा नंबर जो है वो किस पे डिविजिबल होगा, 8 पे। नेक्स्ट इज नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इफ द सम ऑफ देयर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर आपके पास एक नंबर है और उसके डिजिट्स को प्लस करें और वो जो प्लस करके नंबर आएगा वो डिविजिबल हो हमारा 9 पे, तो वो पूरा नंबर 9 पे डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल द नंबर इज 2358। अगर इसके डिजिट्स को प्लस करें, 2 + 3 + 5 + 8, 8 + 5 = 13, + 3 = 16, + 2 = 18। जो आंसर आए वो आपका 9 पे डिवाइड हो जाए नंबर, तो आपका कंप्लीट जो नंबर है वो किस पे डिविजिबल होगा, 9 पे। नेक्स्ट